लास्ट क्लास में रोटेशनल मोशन ने स्टार्ट किया था। हाँ सर, यस। और उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखा रहा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पॉइंट मास का दिखाया था, डिफरेंट वेरिएशन यूनिफॉर्म रॉड का दिखाया था, नॉन यूनिफॉर्म रॉड का दिखाया था, याद है? हाँ सर। हाँ सर। और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताया था। यस सर। उसी में मैंने कहा था दो थ्योरम है, एक को कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरे को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सपोज कोई एक रिजिड बॉडी है किसी भी शेप साइज का, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी है, और इसमें मुझे मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है एक्स वाई प्लेन में, तो ये एक्स एक्सिस है मान लो, ये वाई एक्सिस है मान लो। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है, लेट इट बी आई एक्स। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, लेट इट बी आई वाई। तो तीसरा एक्सिस जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है और साथ ही साथ इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ये थ्योरम है, प्रूफ भी बताता हूं इसका। इस थ्योरम को यूज करते समय आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, इस एग्जांपल के हिसाब से आई एक्स एंड आई वाई आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होता है, इन द प्लेन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है। दूसरा, आई जेड इज the moment of inertia about an axis passing through point of intersection of axis corresponding to IX and IY and perpendicular to them. इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हो, कोई भी हो सकता है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ दी थ्री एक्सेस नीड नॉट टू बी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखना है इस थ्योरम को अप्लाई करते समय। तो इसको कॉपी कर लो, फिर इसका प्रूफ भी बताता हूँ। सर सेकंड पॉइंट में आई एक्स एंड आई जेड लिखो, आई एक्स एंड आई वाई आई एक्स और आई वाई ये दोनों ऑब्जेक्ट के प्लेन में होना चाहिए। अच्छा यहाँ आई जेड लिखा है, वाई कर लो, कॉपी कर लीजिए।
ओके सर। हो गया सबका? नहीं सर। नहीं हुआ जल्दी कीजिए प्लीज। सर वो आईजेड बाइसेक्टर। हो गया सर। बोलो। आईजेड दोनों दूसरे दोनों एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना? हाँ, दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ऑब्जेक्ट जिस प्लेन में है उसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है। ये नोटबुक दिख रहा है? हाँ सर। नोटबुक एक्स वाई प्लेन में है, मतलब ये एक एक्सिस हुआ जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है। हाँ सर। ये एक एक्सिस हुआ जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये दोनों में से आई एक्स आई वाई हो गया। और ये जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये आई जेड हो गई मेरी उंगली। क्लियर है? चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं जरा। कोई भी मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कुछ तो एक्स वाई प्लेन में है, तो ये मान लो है वाई एक्सिस, ये है मान लो एक्स एक्सिस, पूरे में मास है ऐसा कुछ। तो कोई भी अगर मैं पॉइंट मास लेता हूं यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, कोई एक पॉइंट मास m है, इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, मतलब ये डिस्टेंस x होगा और ये डिस्टेंस y होगा, होगा? Yes, तो कॉमन सेंस से देखो, हम i x को लिख सकते हैं समेशन ऑफ m इंटू y स्क्वायर। लिख सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। और आई वाई को लिख सकते हैं इसी तरह समेशन ऑफ, मतलब ऐसे लिख लो एम आई कह दो अगर और प्रॉपरली लिखना है, एक्स आई वाई आई ऐसा। आई वाई को लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम आई एक्स आई का होल स्क्वायर। हाँ सर। तो तीसरा एक्सिस जो यहाँ से पास करता है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस अब इस एक्सिस से अगर हम देखें, अब अगर हम इस एक्सिस से देखें और ये डिस्टेंस आर है, तो इस ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है कि आर आई का स्क्वायर इज एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर। हाँ सर। है ना? तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है और इसमें परपेंडिकुलर भी है, उस एक्सिस से इसका डिस्टेंस तो आर होगा, तो मेरा आई जेड क्या होगा? समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, ऐसा होगा? हाँ सर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर, दैट इज समेशन ऑफ एम आई
एक्स आई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई वाई आई का स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा आई वाई और ये मेरा हो जाएगा आई एक्स, हो जाएगा? हाँ सर। तो यहाँ से प्रूव हो गया आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर सर, कॉपी कर लो। हो गया सर।
सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। तो ये पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दो हम लोगों ने सीखा, इस पे बेस एक क्वेश्चन कीजिए। कोशिश करो।
आया कुछ आंसर किसी को? एक मिनट सर, एक बोलो सर, एक ही भेजो क्या बोले? सर एक मिनट। अच्छा एक मिनट ऐसा बोले? अच्छा टू एम एल स्क्वायर देखो इधर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये साइड बाइसेक्टर होगा तीनों ही केसेस में। हाँ या ना? हाँ सर। तो इस साइड बाइसेक्टर का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस 12/3। ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये एल बाय टू होगा। इस डिस्टेंस को अगर हम आर कहते हैं तो टेन 30 इज आर अपॉन एल बाई टू। टेन 30 डिग्री इज आर अपॉन एल बाई टू होगा। टेन 30 1/√3, तो 1/√3 इज टू आर अपॉन एल। तो यहां से मुझे R मिल गया L अपॉन 2√3। हाँ या ना? हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, इस रॉड के इस पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर एक्सिस पास करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML²/12 होगा। हाँ सर। बीसी रॉड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो इस एक्सिस के अबाउट ML²/12 होगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो ML²/12 में MR² ऐड कर देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। और यही कहानी तीनों में होगी, सब कुछ सिमेट्रिकल है। हाँ सर। पक्का? यस सर। सो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्सिया मेरा हो जाएगा ML²/12 प्लस MR² मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 टाइम ML²/12 प्लस M इंटू L अपॉन 2√3 का स्क्वायर ऐसा होगा। तो 3 टाइम्स ML² कॉमन 1/12 प्लस 1/12 ऐसा होगा। हाँ सर। तो 3 ML² इनटू 2/12
थ्री टू जा सिक्स टू जा ट्वेल्व ऐसा, तो आंसर इज एम एल स्क्वायर बाई टू। कोई डाउट किसी को? नो सर। कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़ूं? एक मिनट सर। ओके सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर। यस सर। एक और सिमिलर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। दिख रहा है? हाँ सर। ट्राई कीजिए।
आया आंसर बोलो। 2 ml square। अरे तो बताते क्यों नहीं हो, मैं रुका हुआ हूँ। आंसर जो भी है सही गलत में बैठा हूँ। अब कर रहे होगे देखते हैं सही है ना। सर हाँ सर 2 ml square plus L आ रहा है कुछ कम से कम। ये तो मैच करो, डायमेंशन तो मैच होना चाहिए ना। देखो इधर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी रॉड का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी सी रॉड का, यही होगा। ए बी रॉड में तो कोई दिक्कत नहीं है, एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, एंड पॉइंट के अबाउट वाला एक्सिस है। आया ना? हाँ सर। रॉड बीसी में अगर एक्सिस यहां से पास करता एल बाई 2 से और इस पर परपेंडिकुलर होता, तब तो हमारा आंसर एम एल स्क्वायर बाई 12 होता। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, लेट इट बी आर। तो बीसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर। सर हाँ सर, आपने किसके दोनों के बीच बोला? बीसी रॉड के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करेगा उसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 12 का फॉर्मूला मालूम है। हाँ सर। तो पॉइंट ए से जो एक्सिस पास कर रहा है ये दोनों पैरेलल होंगे जिसके बीच का डिस्टेंस आर होगा। हाँ सर। अब इस ट्रायंगल में आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, सो 5 एल स्क्वायर बाई 4, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें पुट कर दीजिए, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 सर। आपका आवाज नहीं आ रहा। डिस्कनेक्ट हो गया था। तो 12 एलसीएम लिया, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, 4 3 जा 12, तो 15 हो गया। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो 15 प्लस 1 16 प्लस 4 20, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, तो 5 बाय 3 एम एल स्क्वायर ये आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर।
आगे बढ़ूं? नहीं सर, इतने बाकी है। देखो हो गया, आगे बढ़ो। ये तीन रॉड है, मास एम, लेंथ एल, मास एम, लेंथ एल, मास एम, लेंथ एल। मैं ड्रॉ करते चलता हूँ, फटाफट मुझे बताते चलो। ये एक्सिस देखो, समझ आ रहा है? ए से पास कर रहा है और बीसी के पैरेलल है ना? बोलो। हाँ सर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा फटाफट।
सर 13/12 एमएल स्क्वायर आया। देखते हैं कब ने अटेम्प्ट कर लिया सर। हाँ बोलो सर। 7/4 है सर। अभी देखते हैं ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल में हम क्या लिखेंगे, ए बी रॉड का प्लस ए सी रॉड का प्लस बी सी रॉड का, ऐसा लिखेंगे। तो देखो ए बी और ए सी का हम लोगों ने किया था, अगर एक्सिस से एंगल बनाता है तो एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री होगा, ए सी का भी इतना ही होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बट बी सी का क्या होगा, तो बी सी का खुद के इसके अबाउट लाइन के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 होगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये दोनों एक्सिस तो पैरेलल हो गया, तो हम एक्सिस लिख सकते हैं 0 + mr² ट्वाइस ऑफ एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एम, और ये आर की वैल्यू कितनी होगी, एल साइन 60 होगी। बोलो। हाँ सर। तो ये हो गया 2 ml² / 3 साइन 31/2 तो साइन स्क्वायर 31/4 प्लस एम एल स्क्वायर साइन 60√3/2 तो ये हो जाएगा 3/4 सो एम एल स्क्वायर कॉमन 1/6 प्लस 3/4 हो गया था। तो एम एल स्क्वायर कॉमन 12 एलसीएम ले लो, 6 × 2 = 12 और 4 × 3 = 12 तो 3 × 3 = 9 तो 11/12 एम एल स्क्वायर ये आंसर होगा सर। हाँ सर वो जीरो क्यों लिया था? होगा अच्छा क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? ये अगर रॉड है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट इसी लाइन के अबाउट तो सर 60 होगा ना। हाँ सर वही 60 होगा, 30 कैसे होगा, 30 नहीं होगा सर। अच्छा ये कह रहे हो, हाँ सॉरी बेटा ये माइनस। हाँ सर 60 होगा, ये 60 होगा, सही कह रहे हो, मैंने गलत बोला, ये 60 होगा तो 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री होगा, यहाँ पर 30 की जगह 60 डिग्री होगा, 30 की जगह 60 डिग्री होगा, तो यहाँ 1 की जगह 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल होगा, तो 6 की जगह 2 को ठीक ही करता हूँ, 6 की जगह 2 हो जाएगा, ये 6 की जगह 2 होगा और यहाँ पर 12 की जगह हम 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ऐसा 5/4 होगा। इलेवन बाई 12 की जगह 5/4 होगा। ठीक है सर। वो 0 + mr² क्यों लिया वो नहीं समझा। वही समझा रहा हूँ, ये रॉड है
तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने ही लाइन के अबाउट क्या होगा? जीरो। सारा मास तो इसी लाइन पर लाई करता है ना? हाँ सर। इससे सारे मास का डिस्टेंस जीरो। यस सर। चमका को जो पूछ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, समझा है ना? और ये इसका खुद का लाइन सेंटर ऑफ मास से जाता ही है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगा सकते हैं। हाँ सर। आगे बढ़ूं? एक मिनट सर। Done, sir. हो गया। एक और क्वेश्चन देखो क्या मिले। अभी तुम लोगों को इतना प्रैक्टिस कराता हूँ कि पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस ये सब लगाने का कॉन्फिडेंस है। वही ट्रायंगल, सब कुछ वही। मास M, लेंथ L, मास M, लेंथ L, मास M, लेंथ L। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये वाला एक्सिस है, मतलब जो एक वर्टेक्स से पास करता है और सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर भी है। आया समझ में? ठीक है। ऐसा आपने शायद करवाया था ना? करवाया था। उसमें देखो कि मास और सब लिखे। ओके, तो हटा देते हैं इसमें, क्या दूसरा दे देते हैं। तो ऐसा कर दो, इसमें एक्सिस पॉइंट ए से पास करता है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। सर ये भी करवाया था। ये कहाँ करवाया था प्लेन के परपेंडिकुलर वाला? सर ये जो ये और उसके पहले वाला था ना, दोनों साथ में क्वेश्चन में आए थे। नहीं, वो दूसरा था, ध्यान से देखो। उसमें सेंटर ऑफ मास से रहा होगा। आज ही बोल रहे हो, आज ही करवाया है ऐसा? नहीं नहीं, आज सर, कल करवाया था, कल के सेशन में। कल था, कहाँ था पैरेलल एक्सिस थ्योरम? देख लेते हैं, करवाया होगा तो छोड़ देंगे, इसमें क्या है, दूसरा दे दूंगा, अभी दिख जाएगा। सर सबसे फर्स्ट सम वही किया था, थ्री लाइट रॉड्स करके। नहीं नहीं किया था। हाँ सर, नहीं किया। अरे गधे, ध्यान से क्वेश्चन पर। उसमें तीनों पर पॉइंट मास था, रॉड का मास नहीं था। हाँ सर, हाँ सर, सर सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ, तो मास M, लेंथ L, मास M, लेंथ L, उसमें लाइट रॉड रहा होगा, रॉड का मास नहीं होगा, तीनों वर्टेक्स yes, पर कोई कोई मास डाल दिया होगा, ऐसा था? यस सर, सॉरी सर। सो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड perpendicular to plane of
ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कोशिश कीजिए। सर 7/4 आ रहा है, 7/4 एम एल स्क्वायर। देखते हैं और किसी को, किसी का तो कॉल भी आ गया। और किसी सर एक ही मिनट, हाँ और किसी को कुछ आया? हेलो हाँ
सर बोलो। हाँ सर वही आ रहे हैं 7x4 ml स्क्वायर। ठीक देखते हैं। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB का होगा, फिर BC का भी होगा और फिर AC का भी होगा। तो AB और AC इन दोनों का तो ml स्क्वायर बाय 3 होगा। AB और AC दोनों का ml स्क्वायर बाय 3 होगा। BC में इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर एक्सिस जाएगा इसके पैरेलल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये तो ml स्क्वायर बाय 12 होगा। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा r, विच इज नथिंग बट l साइन 60, पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू l साइन 60 का स्क्वायर होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 और साइन 60 रूट 3/2, तो 3/4 ml स्क्वायर। हाँ सर। तो ml स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 2/3, 1/12, 3/4 ऐसा होगा। हाँ सर। तो ml स्क्वायर कॉमन 12, एलसीएम 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, 4 3 जा 12। तो 18/12 ml स्क्वायर, तो 3/2 ml स्क्वायर। आया था आंसर किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। कॉपी कर लीजिए।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर आगे बढ़ो। यस सर। चलो अब देखते हैं, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट सपोज ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, जिसका लेंथ ए है और इसका विड्थ बी है मान लो। मुझे इस एक्सिस के अबाउट जो इसके लेंथ को बाइसेक्ट करता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है और इसमें मास यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आया? हाँ सर। क्या करना है? समझ आ रहा है? कोशिश करो सॉल्व करने का। सर वो लाइन उसके अलोंग है ना या परपेंडिकुलर है? नहीं नहीं एकदम अलोंग है, मिड पॉइंट से पास कर रहा है, बी वाले साइड के पैरेलल है और बीच से पास कर रहा है। ओके सर। मतलब ये डिस्टेंस ए बाई टू है। ठीक है? यस सर। यस सर।
बोलो आया कोच? एक मिनट सर, सुनो, यहाँ से एक डिस्टेंस पर, वैसे ये आपको ओरली बोल देना चाहिए था, करने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी पहले मैं करके दिखाता हूँ, नहीं तो तुम कहोगे कि पहले से बोले थे। यहाँ से एक डिस्टेंस पर अगर मैं डी एक्स थिकनेस ले लूं, ठीक है, तो ये अब एक रॉड बन गया, बन गया। हाँ सर, हाँ सर। एक डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लूं अगर मैं, तो ये एक रॉड बन गया। अगर इस रॉड का मास dm है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं dm इंटू ए स्क्वायर अपॉन 12, लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो कांस्टेंट है तो हो जाएगा, बट फिर भी चलो और दिक्कत। तो इसका मास डीएम कितना होगा, तो देखो मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू डी एक्स, इस रॉड का एरिया ए इंटू डी एक्स होगा। मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा मास अपॉन एरिया ऑफ प्लेट ए बी इंटू ए डी एक्स, हो गया एम अपॉन बी डी एक्स, यही डीएम हुआ है ना। इस डीएम को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये डी आई मेरा हो गया एम अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन 12 इंटू डी एक्स, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स इज इक्वल टू 0 टू बी तक होगा। तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन 12 बी इंटू बी, एम ए स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो रॉड और प्लेट दोनों ज्योमेट्रिकली सेम स्ट्रक्चर है ना। रॉड का, रॉड में क्या है कि उसका वेट इनसिग्निफिकेंट है, और प्लेट में उसका वेट काउंटेबल है, सिग्निफिकेंट है, इसमें कहीं डिफरेंस है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में क्यों फर्क पड़ेगा? जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल या किसी चीज का फॉर्मूला होता है, तो छोटा ट्राइंगल हो या बड़ा ट्राइंगल हो, फॉर्मूले में क्यों फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो? हाँ सर। ये प्लेट भी तो एक तरह से रॉड ही है ना, बी अगर छोटा हो गया तो रॉड ही है। इसलिए मैंने कहा इसको ओरली भी बोल सकते थे, बट ठीक है, जो कॉपी कर लो।
हो गया सर। हो गया हाँ सर। तो अब एक कॉमन सेंस देते सब लोग, लिखना बाद में। सपोज ये एक प्लेट है, ठीक है, यूनिफॉर्म प्लेट है। एक ही बार में पूरा बता देता हूँ, ये एक यूनिफॉर्म प्लेट है। इसका लेंथ ए है और इसका वेट बी है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो कि बी के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से पास करता है, ये कितना होगा? m by 12 b square। m by 12 b square होगा। हाँ सर, b square by 12। तो ये हो जाएगा m b square by 12, कॉमन सेंस है। ये m a square by 12 अभी निकाला था। हाँ सर। तो अब सोचो जो एक्सिस इस प्लेट पर परपेंडिकुलर होगा और यहां से पास करेगा, दैट इज एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। हाँ सर। सेंटर से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो हो जाएगा ना m by 12 a square plus b square parallel axis theorem से, सॉरी परपेंडिकुलर axis theorem से। हाँ सर। होगा? यस। तो रेक्टेंगुलर प्लेट में कैसा भी एक्सिस रहे आप कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने का। हाँ सर। यस सर। इसको कॉपी कर लो, इसी में a इक्वल टू b हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के लिए अलग से फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। कॉपी कर लो इसको। हो गया सर। हाँ सर हो गया। हो गया। हाँ सर। यस सर। एक क्वेश्चन कीजिए। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a square plate of mass m and side length l of
अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। मतलब ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये साइड लेंथ भी एल है और ये साइड लेंथ भी एल है, स्क्वायर है तो होगा। तो हम लोगों को कोई एक डायगोनल के अबाउट क्वाड्रेंट, जैसे मान लो ये एक डायगोनल, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है और ये यूनिफॉर्म है मास m। सर ml स्क्वायर बाय 6 होगा? नहीं, कोशिश करो। सर एम एल स्क्वायर बाय 12 है क्या? हाँ, एम एल स्क्वायर बाय 12 सही बोला बेटा। कैसे होगा लेकिन? सर वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को दो बार यूज करेंगे तो आ जाएगा। कैसे? सर मतलब जो एम एल स्क्वायर बाय 6 आएगा जब ही वो प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, फिर दो डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए। वेरी गुड, तो वापस वेरी गुड। तो देखो स्क्वायर के डायगोनल तो आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, है ना? हाँ सर। यही अगर रेक्टेंगल होता तो हम ऐसा नहीं कह पाते, ये स्क्वायर है इसीलिए ऐसा कह पा रहे हैं। तो ये भी आई होगा, दोनों आइडेंटिकल होगा, बोलो। और इस एक्सिस के अबाउट तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसके हिसाब से एम एल स्क्वायर बाय 6 होना चाहिए। ए इक्वल टू बी इक्वल टू एल पुट करोगे तो हाँ सर, हाँ सर।
अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि 2i इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 6 तो i इज एम एल स्क्वायर बाय 12 आंसर स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए ऐसा बोल पाए इसको जनरलाइज रेक्टेंगल में मत लगा लेना गड़बड़ हो जाएगा हाँ सर कॉपी कर लो इसको कॉपी कर लीजिए जिसका हो जाए जाते जाइए आज के लेट नाइन नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर बाय बाय सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर बाय बाय सर